Hello everyone. Today's topic is production function, transfer factor and returns to scale. Production function. A table, graph or equations showing the maximum output rate of the product that can be achieved from any specified set of uses rates of inputs. मतलब हम किसी चीज का उत्पादन करने के लिए क्या इनपुट्स यूज कर रहे हैं, कितना उसका रेट ऑफ इनपुट है और उससे हमारे को क्या आउटपुट मिल रही है, वो चीज कहलाती है हमारी प्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन फंक्शन थ्योरी. प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. मतलब कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है, जो उत्पादन है, वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है, इनपुट एंड आउटपुट. हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल क्या लगा रहे हैं जिससे हम लोगों को उत्पादन या प्रोडक्शन किस रेट में मिल रही है. प्रोडक्शन फंक्शन इज द नेम गिवन टू द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट्स ऑफ इनपुट और प्रोडक्टिव सर्विसेज. मतलब कि प्रोडक्टिव सर्विसेज का रेट ऑफ इनपुट्स और रेट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट जो हमारे पास तैयार हुआ उसका रेट और इनपुट जो हम लोगों ने इनपुट लगाई उसका रेट, उनके बीच का रिलेशनशिप जो कहलाता है वो कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन इज द नेम गिवन टू द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट्स ऑफ इनपुट ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज एंड द रेट ऑफ आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट. सो द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. मतलब कि किस रेट में तुम लोगों ने इनपुट लगाए उस रेट के अकॉर्डिंगली क्या बताता है इन लोगों को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड क्वांटिटी ऑफ द वेरियस इनपुट्स. वेरियस इनपुट्स की क्वांटिटी यूज फॉर द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों ने कितनी इनपुट्स लगाई और उसकी हम लोगों को क्या आउटपुट्स मिली, उसके रिलेशनशिप को क्या बताता है हम लोगों को प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच प्लेस द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर इनपुट्स टू द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट्स दैट रिजल्ट. ये हम लोगों को एक मैथमेटिकली भी बताता है कि हम लोगों ने कितनी इनपुट्स यूज करी हैं और कितनी आउटपुट्स, उससे जो इनपुट्स यूज करी हैं उससे हम लोगों को किस रेट में हम लोगों को आउटपुट मिला है, उस ये जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. वी मेक यूज ऑफ थ्री मेजर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी. तीन मेजर है हमारे पास प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के. नंबर वन है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. तो नंबर वन है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट इज सिंपली द टोटल आउटपुट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हम लोगों को जो टोटल आउटपुट मिलता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयड बाय अ बिजनेस. एक बिजनेस के द्वारा जितने भी फैक्टर प्रोडक्शंस लगाए जाते हैं और उसके द्वारा जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट. जैसे कि इन मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो वस्तुओं का निर्माण करती हैं उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जैसे कि मोटर व्हीकल्स, फ्रीजर्स एंड डीवीडी प्लेयर्स, ठीक है, इन चीज़ों की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन. मतलब कि इस तरह की इंडस्ट्रीज में, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, क्लियर. फ्रॉम लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स दैट आर यूज्ड, लेबर और कैपिटल किस तरह से यूज हुई है और मतलब उसका आउटपुट क्या किस तरह से मिला है उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट. टोटल कितना प्रोडक्ट मतलब मापा जा सकता है उसमें ऐसे ऐसी फैक्ट्रीज में, बट इन मैनी सर्विसेज और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज वेयर मच ऑफ द आउटपुट इज इंटेंजिबल. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आउटपुट के मेजर नहीं किया जा सकता, वो इंटेंजिबल होते हैं. इंटेंजिबल मीन्स उनको मापा नहीं जा सकता है और परहैप्स वेटलेस वी फाइंड टू हार्डर टू मेजर प्रोडक्टिविटी. और मतलब कि हम उसकी प्रोडक्टिविटी को नापने में हम लोग नाकामयाब हो सकते हैं, ठीक है. तो जो मतलब
टेंजिबल इंडस्ट्रीज होती हैं, मोटर व्हीकल्स हो गए, फ्रीजर्स हो गए, डीवीडी प्लेयर्स हो गए, इसमें हम लोगों को पता लग जाता है कि जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स का जो रेशियो यूज की गई है उससे हम लोगों को टोटल प्रोडक्ट इतना प्राप्त हुआ है। लेकिन कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो उनमें फाइंड करना मुश्किल हो जाता है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट इज अ टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल आउटपुट को जब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को मिलता है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड। जितने भी वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन यूज किए जाते हैं उसके टोटल प्रोडक्ट को जब यूनिट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो उसमें उससे हमें प्राप्त होता है एवरेज प्रोडक्ट। थर्ड वन है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एम्प्लॉयड। मतलब कि एक कम या ज़्यादा यूनिट को यूज करने से, इनपुट यूज करने से हम लोगों के प्रोडक्शन में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल प्रोडक्ट वुड मेजर द चेंज इन आउटपुट दैट कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बाय 1%। मतलब कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो एक लेबर को बढ़ाने से जो प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आएगी या एक लेबर को कम करने से जो प्रोडक्शन में कमी आएगी उस कमी या बढ़ोतरी को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। और बाई एडिंग वन मोर मशीन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द शॉर्ट रन में जब भी हम लोग किसी मशीन को ऐड करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में तो उस प्रोडक्शन में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास आया टीपी, जो कि टोटल प्रोडक्शन, मतलब कि किसी भी इंडस्ट्री में टोटल प्रोडक्शन कितनी होती है उसको मेजर कर सकते हैं किस तरह की इंडस्ट्रीज में, जो कि हमारी होती हैं डीवीडी प्लेयर्स वगैरह की या फ्रीजर वगैरह की या कोई भी मशीनरी जिसको जो टेंजिबल होती है उसको हम गिन सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं इनटेंजिबल जिसकी हम टोटल प्रोडक्टिविटी को माप नहीं सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्टिविटी को नंबर ऑफ यूनिट से जब डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारे पास आता है एवरेज प्रोडक्ट। थर्ड वन है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। जब किसी लेबर की या इनपुट की एक यूनिट कम या ज़्यादा यूज़ की जाती है तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। इसमें बताया गया है ये लेबर है, यूनिट्स ऑफ लेबर, और ये प्रोडक्शन है। जब टू वन यूनिट यूज कर रहे हैं तो ये प्रोडक्शन लेवल टोटल प्रोडक्ट है, ये टोटल प्रोडक्ट कर्व है। ये कैसे गया? ये ऊपर को गया, फिर मैक्सिमम हुआ और फिर ये इस तरफ को टोटल प्रोडक्ट का ये कर्व बना हुआ है। प्रोडक्शन फंक्शन, ये जो ब्लू लाइन है ये एपी को शो कर रहा है और ये मैजेंटा लाइन जो है, पिंक लाइन जो है, ये एमपी को शो कर रहा है। ये लेबर है और ये प्रोडक्शन है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारी है लेबर। एपी जो है वो ऊपर एवरेज प्रोडक्ट, मतलब कि एपी जो है वो हमेशा ऊपर ही रहता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट पहले नीचे फिर मैक्सिमम फिर नीचे को आते हुए ये मिनिमम हो जाता है, ये नेगेटिव में भी पहुंच सकता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस, शॉर्ट रन क्या होता है? द शॉर्ट रन इज डिफाइंड इन इकोनॉमिक्स एज अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एज्यूम टू बी फिक्स्ड। शॉर्ट रन मतलब कि कम समय, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट रन इज डिफाइंड इन इकोनॉमिक्स में। शॉर्ट रन को कैसे डिफाइन किया गया है? एज अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड है वेयर एट लीस्ट वन फैक्टर, जहाँ पे सिर्फ एट लीस्ट वन फैक्टर जो है ऑफ प्रोडक्शन इज एज्यूम, वन फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो मानी जाती है फिक्स। शॉर्ट रन में किसी भी प्रोडक्ट पे एक इसको यूनिट को हम लोग फिक्स मानते हैं, दैट इट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब कि जो सप्लाई है वो फिक्स है, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। किसमें? शॉर्ट पीरियड में। वी नॉर्मली अज्यूम दैट, नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इनपुट्स जो कि प्लांट एंड मशीनरी इज फिक्स्ड। हम लोग नॉर्मली यही मान के चलते हैं जो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इनपुट्स
कैपिटल इनपुट्स क्या होती है, प्लांट एंड लाइक प्लांट एंड मशीनरी, वो होती है फिक्स कौन से रन में, शॉर्ट रन में. एंड द प्रोडक्शन कैन बी अल्टर्ड बाय सप्लायर थ्रू चेंजिंग द डिमांड ऑफ वेरिएबल इनपुट्स सच एज लेबर कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल एंड एनर्जी इनपुट्स. और प्रोडक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं किस चीज के लिए, सप्लाई के लिए, बाय सप्लायर, सप्लायर्स के द्वारा जो है प्रोडक्शन चेंज की जा सकती है. कैसे, चेंजिंग द डिमांड फॉर वेरिएबल्स इनपुट, जो वेरिएबल्स वेरिएबल इनपुट्स होते हैं जिसकी लेबर कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल एंड एनर्जी इनपुट्स, इनको चेंज करने के चेंज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिक्स कैपिटल जो होती है हमारी प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. कौन से, शॉर्ट रन. ठीक है, ऑफन द अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन इज ऑल्सो फिक्स्ड. जो लैंड होती है प्रोडक्शन के लिए वो भी फिक्स होती है, लैंड को चेंज नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट द टाइम पीरियड्स यूज्ड इन टेक्स्ट बुक्स इकोनॉमिक्स आर समवट बिकॉज दे डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. मतलब कि टाइम पीरियड जो होते हैं, मतलब कि वो इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री के लिए टाइम पीरियड जो शॉर्ट रन होगा वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग रन हो जाएगा, जो एक इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग रन है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट रन हो जाएगा. तो ये वेरीज करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ये मतलब वेरीज कैसे होते हैं. द शॉर्ट रन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडस्ट्री और द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वेरीज फ्रॉम द appropriate for newspaper and magazine publishing and small scale production of food stuffs and beverages. मतलब कि जो electricity industries होती हैं, ये telecommunications companies ये होती हैं, industries होती हैं, वो differ होती हैं किससे, newspaper और magazine publishing industries. ठीक है, next है, much depends on the time scale that permits a business to alter all the inputs that it can be bring to production. ये डिपेंड करता है, मच डिपेंड ऑन द टाइम स्केल, टाइम स्केल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. दैट परमिट्स अ बिजनेस टू अल्टर ऑल, जो बिजनेस को परमिट करते हैं अल्टर ऑल द इनपुट्स, इनपुट्स को चेंज करने के लिए, दैट इट कैन ब्रिंग टू प्रोडक्शन, इनपुट को चेंज करने के बाद जो प्रोडक्शन वो किया जा सकता है. नेक्स्ट है, इन द शॉर्ट रन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो भी होता है वो शॉर्ट रन में होता है. दैट एज वी एड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, हम लोग इनपुट्स की जब इनपुट्स यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट्स को हम इसमें ऐड करते हैं टू फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड एंड कैपिटल, इसके साथ लैंड एंड कैपिटल के साथ द चेंज इन द टोटल आउटपुट विल बी फर्स्ट राइज एंड देन फॉल. कि जैसे जैसे हम इनपुट्स को इंक्रीज करते जाते हैं, पहले क्या होती है प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उसके बाद प्रोडक्शन जो है वो कम होती चली जाती है. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर अकर्स व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर स्टार्ट्स टू फॉल. कब होता है ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर अकर्स व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो गिरना शुरू हो जाता है, तब डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ लेबर शुरू हो जाता है. दिस मीन्स दैट टोटल आउटपुट विल बी राइजिंग, टोटल आउटपुट जो है वो आपकी राइज होगी, पर इंक्रीजिंग ऑफ अ डिक्रीजिंग रेट, जो बढ़ने वाला रेट है वो कौन से रेट में होगा, डिक्रीजिंग रेट. बढ़ेगा जैसे 10 से 12, 10 होगी पहले, फिर 14 होगी, फिर 12 होगी आउटपुट. ठीक है, तो जो पहले थी 10, 14, फिर 12, तो 10 और 14 में डिफरेंस है 4, और जो नेक्स्ट इंक्रीज हुई हमारी वो 2 के रेट से हुई. तो ये कैसे इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एज मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड. जब हमारे पास ज़्यादा वर्कर काम करने लग जाते हैं तो टोटल आउटपुट क्या होती है, पहले इंक्रीज होती है, लेकिन कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से. As we shall see that in the following numerical examples, eventually a decline of marginal product leads to a fall of in average product. What happens to marginal product is linked directly to the productivity of each extra worker employed. जब marginal product,
एक्स्ट्रा वर्कर जब हम लोग काम करने लग जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या होता है, एट लो लेवल ऑफ लेबर इनपुट, लो लेवल में क्या होता है लेबर इनपुट द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड एंड कैपिटल टेंड्स टू अंडर यूटिलाइज्ड, विच मीन्स दैट ईच एडिशनल वर्कर विल हैव प्लेंटी ऑफ कैपिटल टू यूज। जब बहुत सारी शुरू में बहुत सारी लेबर काम करने लग जाते हैं तो प्लेंटी ऑफ कैपिटल यूज करने के लिए होती है एंड रिजल्ट मार्जिन प्रोडक्ट में राइस एमपी जो होता है वो हमारा राइस होना शुरू हो जाता है। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होता है द फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम स्केलर, फिक्स्ड उसके फैक्टर्स होते हैं वो स्केलर मतलब कि दुर्लभ होते जाते हैं एंड न्यू वर्कर्स विल नॉट हैव टू एज मच कैपिटल, नए वर्कर्स जो आती हैं उनके आते हैं उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होती है विद सो दैट द कैपिटल इनपुट बिकम्स डिल्यूटेड, जो कैपिटल है वो डिल्यूट हो जाती है अमंग द लार्जर वर्कफोर्स, ज़्यादा काम करने के लिए हमारे पास फिर कैपिटल नहीं रहती है। एज अ रिजल्ट उसके बाद एज कंक्लूजन में क्या होता है द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच वर्कर टेंड्स टू फॉल, हर एक वर्कर की जो एमपी होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को कहलाता है ये। कैसे होता है ये, जब हम लोग शुरू में बहुत सारी लेबर यूज़ करते हैं तो लेबर के पास बहुत सारी कैपिटल होती है जिससे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन जब उससे भी ज़्यादा वर्कर्स काम करने लगते हैं उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं रहती है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या बोलता है, लॉ इफ इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑफ एन इनपुट आर एडेड टू अ प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर इफ इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑफ इनपुट, इनपुट की जो ज़्यादा इक्वल उसमें बढ़ाते चलते हैं एंड द क्वांटिटीज ऑफ अदर इनपुट्स आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, और अन्य इनपुट्स की जो क्वांटिटी को जो हम कांस्टेंट रखते हैं स्थिर रखते हैं इवेंचुअली द मार्जिनल प्रोडक्ट और द इनपुट विल डिमिनिश, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नीचे डिमिनिश होना गिरना शुरू हो जाता है। इसमें है नोट है नंबर वन दिस इज एन इम्पीरियल जनरलाइजेशन, टेक्नोलॉजी मीन्स फिक्स्ड, और थर्ड है टेक्नोलॉजी जो उसमें फिक्स रहेगी, और थर्ड है द क्वांटिटी ऑफ एटलीस्ट वन इनपुट इज हेल्ड फिक्स्ड, जो इनपुट है उसमें कम से कम एक जो है इनपुट जो है वो फिक्स रखी जाएगी। एन एग्जाम्पल ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज शोन हियर, वी अज्यूम एक एग्जाम्पल है डिमिनिशिंग ऑफ रिटर्न्स का, वी अज्यूम दैट देयर इज अ फिक्स्ड सप्लाई ऑफ कैपिटल, सप्लाई जो है कैपिटल की वो फिक्स है अवेलेबल that is 20 units available in the production process to which extra units of labor and are added from one person through to 11. Initially the marginal product of labor is rising, शुरू में क्या होता है MP जो labor का होता है वो बढ़ता है, it peaks when the sixth worker is employed, जब sixth worker आता है तब तक ये peaks मतलब high उस पर होता है, when the इज इम्प्लॉयड वेन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज 29, मार्जिनल एम पी क्या है तब हमारे पास 29 है, मार्जिनल प्रोडक्ट देन स्टार्ट्स टू फॉल, एम पी उसके बाद क्या होता है फॉल गिरना शुरू हो जाता है, टोटल आउटपुट इज स्टिल इंक्रीजिंग, टोटल आउटपुट है हमारी इंक्रीजिंग ही स्टिल इंक्रीजिंग एज वी एड मोर लेबर, उसके बाद भी अगर हम एड मोर ज़्यादा लेबर उसमें एड करेंगे बट एट अ स्लोअर रेट, बट एट अ स्लोअर रेट घटते हुए रेट से, एट दिस पॉइंट द शॉर्ट रन प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेट्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इस पॉइंट पे क्या होगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेट्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एवरेज प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू राइज, ए पी जो है वो राइज ही विल कंटिन्यू टू राइज एज लॉन्ग एज द मार्जिन प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज, जो एम पी हमारे पास एवरेज होगा लेकिन ए पी क्या होगा हमारे पास बढ़ता ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेन द सेवन वर्कर इज एडेड, सातवां वर्कर जब हमारे पास आया द मार्जिनल गेन, जो हमारे पास मार्जिनल गेन है इन आउटपुट 26 था
and this drags average up to 19 to 20 units. Once marginal duct is below the average as it is with 9th worker. जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हुआ द एवरेज इट इज विद 9th वर्कर एम्प्लॉयड वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट इज ओनली 11 देन द एवरेज विल डिक्लाइन द एवरेज जो भी वो घटने शुरू हो जाएगी. ये है लॉ ऑफ डिमिशन प्रेस का टेबल जिसमें इनपुट है जो हमारी फिक्स है. लेबर इनपुट है हमारी 1 से लेके 11 तक. नेक्स्ट टोटल आउटपुट है हमारे पास 5, 16, 30, 56 ऐसे करके. मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारे पास 11, 14, 26, 28. एमपी आता है हमारे पास टीपी माइनस टीपी एन माइनस 1 और एवरेज आता है हमारे पास टीपी अपॉन यूनिट ऑफ इनपुट्स. नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन में कैसे होता है. इन लॉन्ग रन इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. जो लॉन्ग रन होता है हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है. हाउ द आउटपुट ऑफ अ बिजनेस रिस्पॉन्स टू अ चेंज ऑफ फैक्टर इनपुट्स इज कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल. क्योंकि रिटर्न्स टू स्केल क्या कहलाता है. हाउ द आउटपुट ऑफ अ बिजनेस रिस्पॉन्ड टू चेंज इन फैक्टर इनपुट्स. क्योंकि इनपुट्स में हम कैसे चेंज करते हैं कितना चेंज करते हैं और उससे क्या रिस्पॉन्स आता है प्रोडक्शन में उसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या कहलाता है. मतलब कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर्स व्हेन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट. मतलब इनपुट में जो चेंज कर रहे हैं वो किससे ज़्यादा कम ज़्यादा होना चाहिए. आउटपुट का जो चेंज है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे चेंज इन इनपुट. डिक्रीजिंग रिटर्न्स जिसमें आउटपुट का जो चेंज है वो कम आए किससे चेंज इन इनपुट्स. और कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अकर्स व्हेन द चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन इनपुट. जब इनपुट और आउटपुट में इक्वल होता है तो उसको हम बोलते हैं मतलब कोई चेंज नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. जब डिक्रीज हो जाता है आउटपुट चेंज इन आउटपुट इज डिक्रीजिंग चेंज इन इनपुट तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग. लेसन जब होता है और इंक्रीजिंग कब होगा इंक्रीजिंग टर्म टू स्केल कब होगा जब परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स. न्यूमेरिकल एग्जांपल है लॉन्ग रन रिटर्न्स टू स्केल का. कैपिटल इसमें फिक्स है. लेबर है इसमें पहले 150 300 450 60 एंड 750. इसमें इक्वल इसमें एक 150 का जो है चेंज रखा गया है यूनिट्स ऑफ लेबर में. टोटल आउटपुट हमारे पास 3,000, 7,500 ऐसे करके 18,000 तक. और चेंजिंग इनपुट में है 100, 50, 33 and 25. चेंजिंग आउटपुट में है 150, 60, 33 and 30. तो ये क्या हुआ पहले इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीजिंग रेट कांस्टेंट एंड देन डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. इन द एग्जांपल अबव इस टेबल में जो एग्जांपल दिया गया है इसमें क्या है. वी इंक्रीज द इनपुट ऑफ कैपिटल एंड लेबर बाय सेम प्रपोर्शन. लेबर और कैपिटल को हमने सेम प्रपोर्शन में परसेंटेज में चेंज करा है. वी देन कंपेयर द परसेंटेज चेंज इन आउटपुट एंड कम्स फ्रॉम गिवन चेंज इन इनपुट. फिर हमने इनपुट और आउटपुट की जो परसेंटेज है उसको हमने कंपेयर किया होगा. सेकेंड आया इन अवर एग्जाम्पल वेन वी डबल द फैक्टर इनपुट. जब हमने फैक्टर इनपुट को डबल कर दिया 150 से 300 कर दिया लेबर और 20 कैपिटल से 40 कैपिटल कर दी देन द परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज 150%. तो आउटपुट में कितना चेंज आया हमारे पास 150%. देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ये कौन सा रिटर्न्स टू स्केल हुआ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट. इन कॉन्स्टेंट when the scale of production is changed from 60 labor plus 80 capital to 750 labor plus 100 capital then the percentage change in output 13% is less than the change in input 25% jo ki kya show karta hai situation of decreasing returns to scale. third hai hamare paas as we shall see later. बाद में जब हमने देखा द नेचर ऑफ द रिटर्न्स टू स्केल इफेक्ट द शेप ऑफ बिजनेस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्शन इज ऑन लेवल
levels of employment productivity may have been increased through the effects of the technological change. टेक्नोलॉजिकल चेंज से क्या प्रोडक्शन में डिफरेंस आएगा या क्या उसमें कमी या बढ़ोतरी होगी. इम्प्रूव्ड इंसेंटिव्स, बेटर मैनेजमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ द वर्कर लेट्स ट्रेनिंग विच बूस्ट्स द स्किल ऑफ एम्प्लॉयड लेबर फोर्स. मतलब कि बूस्ट्स उसको स्किल को, एम्प्लॉयज की स्किल को बूस्ट करना और एम्प्लॉयड फोर्स को बढ़ाना. Two aspects of production function theory. The two aspects which are stressed under production function theory are maximum quantity of output. Maximum quantity को कि output की maximum quantity को कब हासिल किया जा सकता है can be produced from any chosen quantity of various input. मतलब कि input की क्या quantities हम choose करते हैं जिससे कि हमारे पास maximum quantity of production आ जाए, output आ जाए. और सेकंड है मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इनपुट. इनपुट की कम से कम कितनी इनपुट यूज की जाए जिससे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आउटपुट आ जाए. थ्री वेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन थ्योरी. द प्रोडक्शन फंक्शन थ्योरी कैन बी स्टडीड इन थ्री वेज, जैसे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेयर क्वांटिटीज ऑफ सम फैक्टर इज कैप फिक्स्ड. उसमें जो फैक्टर प्रोडक्शन है उसको सम क्वांटिटीज को फिक्स रखा जाता है, बट द अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल. बाकी के फैक्टर जो है वो वेरिड होते हैं, बढ़ते बढ़ते हैं. सेकंड है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, देयर क्वांटिटीज ऑफ ऑल फैक्टर्स इज वेरिड. थर्ड है हमारे पास ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट. प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी अलजेब्रिक एक्सप्रेस एज क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन टी एन एन के टी, वेयर क्यू इज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और जो हमारे पास एन एन के टी है ये हमारे पास क्वांटिटीज इनपुट है और एफ अनस्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एन एल के टी. प्रोडक्शन फंक्शन गिव्स एन आइडिया ऑफ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड द ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स. प्रोडक्शन फंक्शन हम लोगों को क्या आइडिया देता है कि कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए. इट टेल्स मैनेजमेंट द बजट कंसंट्रेट फॉर इंक्रीजिंग इन आउटपुट. ये मैनेजमेंट को शो बताता है कि कैसे अपने बजट को के ऊपर कंसंट्रेट किया जाए किस चीज के लिए, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. थर्ड है द प्रोडक्शन फंक्शन थ्योरी एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये सब्स्टिट्यूशन को प्रोडक्शन फंक्शन जो है क्या थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की डिग्रीज को ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द मैनेजमेंट शुड एंडेवर टू प्रोड्यूस एन अपवर्ड शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन. द मैनेजमेंट जो है उसको अपने आप को अपवर्ड शिफ्ट, मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप उसको अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, विच कैन डेफिनेटली इम्प्रूव द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. जो कि डेफिनेटली इम्प्रूव द फाइनेंशियल, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी अंडर द गिवन मार्केट कंडीशन. नेक्स्ट द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को भी ये खत्म करता है. एज प्रोडक्शन फंक्शन इज एन इंजीनियरिंग कंसेप्ट, वन कैन स्टडी द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशन. नेक्स्ट आई हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ एन अल्टरनेटिव दैट मस्ट बी फोरगोन इन ऑर्डर टू परचेज अ सर्टेन परस्यू अ सर्टेन एक्शन. एक एक्शन को लेने के लिए जिस कॉस्ट को हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जिसके साथ उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. पुट अनदर वे, द बेनिफिट यू कुड हैव रिसीव्ड बाय टेकिंग एन अल्टरनेटिव एक्शन. इसको दूसरे तरीके से इस तरह से समझा जा सकता है, अल्टरनेटिव एक्शन लेके जब हम लोगों को बेनिफिट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द डिफरेंस इन रिटर्न बिटवीन चूजन इन्वेस्टमेंट एंड वन दैट इज नेसेसरी पास्ड अप. जैसे कि हम इन्वेस्ट, से यू इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड इट रिटर्न्स अ पार्टली 2% ओवर द ईयर. हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या दे रहा है, 2% पर ईयर दे रहा है. इन प्लेसिंग योर मनी इन द स्टॉक, अगर हम मनी को
स्टॉक में ना देखते हुए उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ द अनदर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक में ना इन्वेस्ट करते हुए किसी और चीज में इन्वेस्ट करना किया हो मनी को, तो उसमें रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 6% हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड 6% में हमने इन्वेस्ट कर दिया। इन दिस सिचुएशन योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर 4%, 6% माइनस 2% हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी 4%। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, द अमाउंट द फर्म एक्चुअली पेड फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट, एक इनपुट के लिए जो अमाउंट फर्म एक्चुअली में पे करती है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वर्सेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड द ऑर्डिनरी आइटम्स दैट एन अकाउंटेंट वुड इंक्लूड एज द फर्म एक्सपेंसेस, जो फर्म के अपने एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जब फर्म हम बाहर के लिए कोई चीज के लिए पे करती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन एंड यूज्ड बाय द फर्म्स ओनर, जब फर्म का ओनर या मालिक खुद जिस चीज खर्चा करता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। शॉर्ट टर्म, a period of time so short that the firm cannot alter the quality of some of its input, लेकिन short term क्या होता है, एक ऐसा time period जिसमें जो firm है, जो production firm है, वो अपने inputs को का alter नहीं कर सकती है। Typically plant and equipment are fixed, input is the in the short term, plant और जो equipment हमारे वो short term में क्या होते हैं, fix होते हैं। Fixed input determine the scale of the firm's operation. Three concept of total cost: total fixed cost, total variable cost, and total cost. Total cost is equal to FC plus VC, which is fixed cost plus variable cost. Fixed, variable, and total cost. ये जो red line है हमारी fixed cost है, ये है हमारे x-axis में हमारी units of output, यहाँ पे प्राइस या पीस या आउटपुट जो भी है ये। उसके बाद ये हमारे पास रेड लाइन में फिक्स्ड कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट आई ब्लू लाइन, और ग्रीन लाइन जो है हमारे पास टोटल कॉस्ट। उसमें देखिए टोटल कॉस्ट जो यहाँ से शुरू हुई है और ऊपर की ओर बढ़ती हुई, फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल फिक्स है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले कम फिर बढ़ती हुई भी ऊपर को जा रही है। नेक्स्ट एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जो है हमारे पास ब्लू लाइन में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास ब्लू लाइन में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पिंक लाइन में, येलो लाइन हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट, और स्काई ब्लू लाइन हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन often considered to a firm's planning horizon describe alternative scales of operational when all inputs are variable. Long run shows the minimum cost per unit producing each output level when any scale of operational is available. जो हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो हमेशा यू शेप में ही आता है। Key steps cost estimation process, कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट करते हैं, नंबर वन रिलेटिंग कॉस्ट ऑफ आउटपुट, सेकंड है डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, मैचिंग टाइम पीरियड्स, कंट्रोलिंग प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एंड प्लांट, करेक्शन फॉर प्राइस लेवल चेंजेस, लेंथ ऑफ पीरियड एंड सैंपल साइज। मिनिमम इफेक्ट स्केल, द स्मॉलेस्ट आउटपुट ऑफ विच लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, हमारे पास है एवरेज कॉस्ट कर्व। ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस जॉब, मतलब कि ब्रेक इवन जब होता है फर्म को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस।